बाबर आउट ऑफ फॉर्म चले आ रहे थे बहुत अरसे से, आज उन्होंने स्कोर किया अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ किया, तो अब क्या आप कोचिंग स्टाफ कितना खुश है कि बाबर ने वापस फॉर्म को पकड़ा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऑब्वियसली बाबर हमारा टॉप प्लेयर है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड में, और अगर आप उसकी लास्ट सीरीज में भी उसकी जो अगर रन्स को अगर आप देखें, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं था, लेकिन सम टाइम आपका लक आपका साथ नहीं देता, वो आके 30-40 रन्स कर लेता, लेकिन जो जो हम बाबर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लंबी इनिंग्स के लिए वो 100 करे, 100 करे, बड़ा 100 करे, तो वो चीज़ उससे अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं हुआ, उस तरह के रन नहीं किए। लेकिन यहाँ पे अगर आप आज उसके स्ट्राइक रेट की बात करें, जिस तरह उसने बैटिंग की है, तो बिल्कुल खुशाइंदा बात है पाकिस्तान के लिए कि बाबर को खुद एक कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ली कहा, उसके बल्ले पे बॉल तो आ रहा था, लेकिन लक उसका वो जो ना, वो जो लक होती है ना, उसके साथ नहीं दे रहा था। तो आई एम श्योर आज के जो उसने जो रन किया है, बाबर के लिए खुद भी उसको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा और टीम के लिए भी अच्छा है। आपने फील्डिंग पे इंग्लिश पे तो बोले, कल हमने देखा यहाँ पे हाफ टाइम हमने फील्डिंग पे गुजारा, हमने न्यूजीलैंड की ट्रेनिंग भी देखते हैं, हम उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं फील्डिंग के ऊपर, फिर भी कैचेस ड्रॉप क्यों होते हैं? देखिए, आपने खुद यहाँ पे मेरे ख्याल से फ्रॉम द डे वन आप इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं हर चीज़ को, और बिल्कुल हमने स्पेशली वाइड बॉल में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, सर्कल में रन आउट की या अच्छे कैचेस जब आप एक दो रन आउट करते हो, या जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है उनको अगर आप ग्रैब करते हो, तभी आप इस तरह के मैचेस में जो 30-40 रन का जो डिफरेंट पड़ जाता है, 15-20 रन आप फील्डिंग में सेव करते हो, या एक अच्छा कैच पकड़ते हो या रन आउट करते हो, तो आपके मैच के रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। तो आई थिंक वही चीज़ उसी चीज़ ने हमें कॉस्ट किया जो हमने एक दो कैचेज ड्रॉप किए। आई थिंक अगर उस टाइम पे वो कैचेज हो जाते हैं, तो मैं भी हम ये मैच जो ना जो हमने प्लान किया था कि 180-190 तक हमने रिस्ट्रिक्ट करना था, और जिस तरह बैट्समैन हमारे ऑलमोस्ट सबके बल्ले पे बैट पे बॉल आ रहे, तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि इंशाल्लाह हम ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन अगेन वही कि हमारे क्रूशल टाइम पे हमें स्टार्ट तो मिला, लेकिन पार्टनरशिप नहीं रहेगी वहाँ पे। आपको लगता है कि इतना रन होने के बावजूद भी ये अचीवेबल नहीं था? अगर हम अपनी बैटिंग ऑर्डर को देखें तो 8 तक बल्लेबाजी थी, और वो शाहीन का ऊपर आना उनका अपना फैसला था? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह की ये पिच इस ग्राउंड की हिस्ट्री है, तो 200 ऑलवेज यहाँ पे चेज भी हुए, यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए थे, लेकिन जिस तरह से साइम अयूब ने स्टार्ट लिया, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गया। और अगेन आपको यहाँ पे जो ना गेम अवेयरनेस और माइंड प्रेजेंस माइंड बड़ा ज़रूरी है। हफीज़ ने मैच एक दिन पहले मेंशन किया था इस चीज़ को कि यहाँ पे जो स्पेशली यहाँ पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे जो पिचेस होती है वो ड्रॉप इन पिचेस होते हैं, स्क्वेयर पे एक ही पिच होता है, साइड पे थोड़े से ग्रास ज़्यादा होता है। तो हमने ये प्लान किया था कि जब भी आपने रनिंग करने हो, कोशिश करें कि स्टंप की जो पिच है उसके ऊपर आप रन करें, जिसकी वजह से वो स्लिप भी हुआ। आई थिंक वहाँ से अच्छे हमें एक बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपको एक बड़े स्कोर के लिए एक पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, एक बड़े पार्टनरशिप के हमें स्टार्ट तो मिला, जितने भी बैट्समैन गए अच्छा स्टार्ट उन्होंने नहीं दिया, लाइक स्ट्रेट अवे उनको बाउंड्रीज भी मिली है, लेकिन अगेन हमें उस तरह के एक दो पार्टनरशिप, जब आप 200 चेस करते हो 200 प्लस, तो आपको एक दो पार्टनरशिप चाहिए जहां पे आप 70-80 रन की पार्टनरशिप करते हो, तो तब आप इस तरह के मैचेस जीत सकते हो। अब्बास के साथ सबसे ज्यादा आपने टाइम गुजारा, तो उनकी बॉलिंग कैसी लगी? वेरिएशंस उन्होंने बड़ी अच्छी यूज की, खासकर पहला ओवर जो उन्होंने किया वो 47 मीटर वाली बाउंड्री से किया था, तो बड़ा कॉन्फिडेंस भी लेवल भी बेहतर नजर आया। आई थिंक पहले तो ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट है अब्बास के लिए, मेरे लिए और हमारे पूरे फैमिली के लिए, कि पहले मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अब्बास ने किया, तो आई थिंक हमारे पूरे फैमिली के लिए बड़े प्राउड मोमेंट है। और बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, जब पहला ओवर हुआ है, जब शाहीन को पहले विकेट मिले, तो वहाँ से हमें आइडिया हो गया कि बॉल थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है, आगे बॉल नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रेट अवे उसी ओवर में मैं अब्बास के पास, आई थिंक वो थर्ड मिनट पे था या फाइनल लेग पे था, तो मैं उसके पास गया हूँ कि यहाँ पे आपको, और उससे पहले भी हमारा प्लान था कि हार्ड लेंथ को हिट करना है, क्योंकि सामने की बाउंड्रीज छोटी है, आपने स्क्वायर की बाउंड्री को यूज़ करना है। और अब्बास से मेरी यही बात हुई थी कि दूसरे बॉलर्स को बता दे कि हार्ड लेंथ को हिट करे, थोड़े से स्लो बॉल की ज़्यादा ट्राई करे, वेरिएशन से ज़्यादा बॉल करे। तो आई थिंक उसने उसकी जो स्ट्रेंथ भी है उसके उसको जो खिलाने का एक रीज़न भी है, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उसकी जो वेरिएशन है बड़ा इफेक्टिव था, और आज भी उसने अपने जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वेरिएशन पे उसको कैरी ऑन किया, और राइट मोमेंट पे उसने विकेट दिलाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एंड ऑफ द रिजल्ट था वो हमारे हक में नहीं आया। उमर भाई, हर मैच की इंफरादी बॉलर्स की अच्छी परफॉर्मेंस या फील्डिंग के ऊपर हम बात डाल देते हैं, लेकिन एशिया कप से लेकर थ्रू आउट अब तक हम जिस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के मालिक थे वो कहीं नजर ही नहीं आती है। इस मैच की परफॉर्मेंस, ड्रॉप इन पिचेस, ये रीजंस हो सकती हैं,
लेकिन हमारी फास्ट बॉलिंग स्पेशली मैच विनर अब नहीं रही है और ये नजर आ रहा है, ये शक अब से लेकर अब तक की जर्नी देखें तो कम से कम 10 से ज्यादा मैचेस बनते हैं जो कि हम नहीं जीते हैं। देखिए अभी ये तो नहीं कह सकते कि हम हमारे फास्ट बॉलर वो हिस्ट्री जो जो जिस तरह आपने कहा कि पास में हमने बॉलर्स नहीं ज़्यादातर मैचेस जिताए, लेकिन हम एक एक, एक ट्रैक पे आ रहे वापस इतने मैचेस के बाद। देखिए जिस तरह से हारिस रऊफ ने सेकंड लास्ट ओवर किए, आई थिंक वो उस टाइम पे अगर वो अच्छा ओवर ना निकाले तो मे बी ये स्कोर 240-250 तक पहुँच जाता। लेकिन हाँ, हम पैचेज में हम अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली जब आपको एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है और आप उसको कंसिस्टेंटली जब आप अच्छे एरिया को हिट नहीं करते तो ऑब्वियसली आपको पैचेज में नहीं, जब आप लॉन्ग ज्यादा ओवर्स आप अच्छे करते हो तभी आप मैचेस जीत सकते हो। लेकिन आई थिंक हम इस पे काम कर सकते हैं और समटाइम होता है ये आपको टूर्नामेंट का पहला ये सीरीज का पहला मैच था। ऑफकोर्स हमने जो एरिया जिस तरह मैंने अर्ली भी मैंशन किया कि जो हमारा प्लान था उस एरिया को हिट नहीं किया और आई एम श्योर कि उस पर हम बैठ के उस चीज़ पे हम काम भी करेंगे, उस पर दोबारा भी बात करेंगे।